भोपाल कांग्रेस कार्यालय में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भगवान श्री कृष्ण और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कंस के रूप में दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने एक पोस्टर लगाया जिसमें हाथ में चक्र लिए कमलनाथ को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। कांग्रेस सरकार में हुए फैसलों को भी सिलसिलेवार दिखाया गया है। होर्डिंग में कमलनाथ सरकार में लिए गए ओबीसी और सामान्य वर्ग को आरक्षण, 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ करने के साथ 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। वहीं शिवराज सरकार में महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लिखे गए हैं। पोस्टर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर गलत शब्द लिखे गए हैं जिस पर भाजपा ने इसका विरोध किया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू धर्म का मखौल उड़ाने का पूरी तरह मन बना लिया है। कभी सोनिया गांधी को दुर्गा जी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अब कमलनाथ को भगवान कृष्ण बना दिया। कांग्रेसी हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवाद और हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। दरअसल क्या धर्म का माहौल उड़ाने का पूरी की पूरी कांग्रेस ने ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है। कभी सोनिया जी को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के राहुल बाबा आ जाते हैं, अब ये कमलनाथ जी का कर दिया है। ये हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हों, मूल हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हों। इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। ये सोच है इनका जो सने सने धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।